जय हिंद वंदे मातरम साथियों, दुखद खबर पश्चिमी बंगाल से प्राप्त हो रहे हैं। पश्चिमी बंगाल के उत्तर 24 परगना जिले के भाटपाड़ा शहर के रहने वाले भारतीय सीमा सुरक्षा बल के जवान रंजीत यादव वीरगति को प्राप्त हुए हैं। शहादत की सूचना वीरांगना पत्नी को सैन्य अधिकारियों द्वारा फोन के माध्यम से प्राप्त हुई। जैसे ही शहादत की सूचना मिली तो घर में चीख पुकार मच गई। बीएसएफ जवान रंजीत यादव 167 बटालियन बीएसएफ में मणिपुर में तैनात थे। वहीं मणिपुर में चल रहे उग्रवादी हमले में गोली लगने से वे वीरगति को प्राप्त हुए हैं। आपको बताते चले कि कल देर शाम शहीद की वीरांगना पत्नी से शहीद की फ़ोन पर बातचीत हुई थी और उन्होंने उस बातचीत में बताया कि यहाँ पर भारी गोलीबारी चल रही है और जिसके चलते कल फ़ोन पर बात होना मुश्किल है और ये पता नहीं था कि कल बात नहीं हो पाएगी क्योंकि उनको गोली लग गई और वे वीरगति को प्राप्त हो गए हैं। जैसे ही वीरांगना को इस शहादत की खबर मिली तो घर में चीख पुकार मच गई। वह शहीद की माँ का रो रो कर बुरा हाल हो गया। माँ भारती के लाल ने अपने कर्तव्य पथ का निर्वहन करते हुए वीरगति को प्राप्त किया है। अपरा समाचार ट्यूब चैनल शहीद जवान के शिव चरणों में सादर श्रद्धांजलि अर्पित करता है और उनकी शहादत को सलाम करता है। बीएसएफ जवान रंजीत यादव जो कि पश्चिमी बंगाल के रहने वाले थे, वर्तमान में उनकी पोस्टिंग मणिपुर में थी और मणिपुर में उग्रवादी हमले के चलते वे वीरगति को प्राप्त हुए हैं। पार्थिव देह आज देर शाम उनके निवास स्थान पहुँचेगी जहाँ पूरे सैनिक सम्मान के साथ उन्हें अंतिम विदाई दी जाएगी। इससे पहले शहीद के पार्थिव को जरूरी कागजाती काम पूरा करके पोस्टमार्टम करके सैन्य सम्मान व गार्ड ऑफ ऑनर के साथ तिरंगे में लपेटकर सेना के विशेष वाहन से उनके पैतृक गांव की ओर रवाना किया जा चुका है। शहीद जवान के शिव चरणों में अपर असम यूट्यूब चैनल कोटि कोटि नमन करता है। शहादत की खबर मिलते ही क्षेत्र में शौक की लहर दौड़ पड़ी। वहीं स्थानीय क्षेत्र में सोशल मीडिया के माध्यम से शहीद जवान को श्रद्धांजलि देने का सिलसिला जारी है। स्थानीय जनप्रतिनिधिगण शहीद जवान को सोशल मीडिया के माध्यम से श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए शहीद परिजनों के प्रति गहरी संवेदनाएं प्रकट कर रहे हैं। मां भारती के लाल ने मणिपुर में देश की सेवा में अपना सर्वस्व समर्पण किया है। तिरंगे में लिपटी पार्थिव देह आज देर शाम उनके निवास स्थान पहुँचेगी जहाँ पूरे सैनिक सम्मान के साथ उन्हें अंतिम विदाई दी जाएगी। बताते चले कि पश्चिमी बंगाल के भाटपाड़ा के वे रहने वाले थे। गली नंबर 22 में उनका मकान है और वहीं वे बड़े पले हुए थे और देश की रक्षा का जुनून जज्बा उन्हीं गली में खेलते कूदते उन्हें मिला था और उसी के चलते वे वीरगति को प्राप्त हुए। मां भारती के लाल ने अपने कर्तव्य पथ का निर्वहन करते हुए वीरगति को प्राप्त हुए हैं। शहीद जवान के शिव चरणों में सादर श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। आपसे क्रमबद्ध निवेदन रहेगा कि आप भी शहीद जवान को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय भारत जरूर लिखें। वहीं आगे के अपडेट के लिए आप अपर असम यूट्यूब चैनल पर लगातार बने रहें। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, धन्यवाद।